जो बच्चे थोड़े से हताश हैं, वो गिव अप ना करें। वो ये सोच के रखे कि एक पेपर लाइफ का आपकी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है भाई, कहीं भी गिव अप करने की आवश्यकता नहीं है, फिर से ट्राई करिए। जब तक तुम जीतोगे नहीं तब तक हार मानोगे नहीं। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नेक्स्ट, जिन जिन बच्चों को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आए थे कि वो सोच रहे थे कि भाई कल के पेपर में क्या आएगा, तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। और जिन जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, वो आईटी एडवांस के लिए तैयारी करें, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं पीडब्ल्यू की तरफ से। और दूसरी बात, जो बच्चे थोड़े से हताश हैं, वो गिव अप ना करें। वो ये सोच के रखे कि एक पेपर लाइफ का आपकी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है भाई, कहीं भी गिव अप करने की आवश्यकता नहीं है, फिर से ट्राई करिए। जब तक तुम जीतोगे नहीं तब तक हार मानोगे नहीं। ठीक है भाई, अगर आपको याद होगा थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी, जिन्होंने बल्ब बनाया था, आपको याद होगा बचपन में वो इतने बेवकूफ थे कि तुम्हारा लेवल तो फिर भी बहुत बढ़िया है। वो इतने बेवकूफ थे कि उन्होंने सोचा, एक बार वो जहाज बनाने की सोच रहे थे, उन्होंने देखा कि एक चिड़िया है, वो चिड़िया नाली में से कीड़े को खाके उड़ जाती है। उन्होंने क्या लगाया माइंड, उन्होंने सोचा ओ भाई साहब कीड़े खाने से उड़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक नाली के पास गए, बहुत सारे कीड़े जो है वो उठाए, उनको ग्रिंड किया मिक्सी में और अपनी नौकरानी को पिला दिया। अपनी नौकरानी को कहा कि तू इसको खा जा या पी जा, तू भी उड़ जाएगी। और सच बताऊं वो उड़ गई। जैसे ही उसने वो कीड़े का मिक्सचर पिया, वो थोड़े दिन बाद उड़ गई। उड़ेगी कहां, मर गई बेचारी, बीमार हो गई। अब वो चली गई। अब देखो बेटा, कम से कम तुम्हें इतना तो पता है कि आप इतनी मूर्खता नहीं करोगे जितनी मूर्खता उन्होंने की थी। पर कम से कम 10,000 एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने बल्ब बनाया, और उसी वजह से वो आज के टाइम पर हमारे अंदर भी जिंदा है। इवन बहुत सारे लोग उनका नाम जानते हैं, उनका नाम अमर हो चुका है। बात यह है कि आपको गिव अप नहीं करना है। एक पेपर डिसाइड नहीं करेगा आपकी हार की आप हार चुके हो। दोबारा फिर उठो, फिर लड़ो, और जब तक लड़ते रहो जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।